तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आज मैं आ गया हूँ बजाज के शोरूम दास ऑटोमोबाइल अंडाल मोड़ पे, और इनका एड्रेस और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके चेकआउट कीजिए। और बाइक रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं शोरूम के अंदर और आपको दिखाते हैं बजाज प्लेटिना 100cc BS6 मॉडल में जो छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करें। तो ये है बजाज प्लेटिना 100cc की बाइक जो अब BS6 मॉडल में आ चुकी है आपके नज़दीकी शोरूम में। तो हम इसके पहले जो छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला चेंज इसके आपको पेट्रोल टैंक फ्रेम पे टैंक पैड लगा हुआ मिल जाएगा, और इसका जो लुक है ओवरऑल जो ये पहले की तरह था बिल्कुल सेम है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें इसके कलर वेरिएंट की, तो फिलहाल आपको इस बाइक में 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर कलर को लेके कोई न्यू चेंजेस होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अब इसके नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो इसका चेंज जो हुआ है कि 100cc की बाइक में ये पहली वो बाइक है जिसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ मिलेगा, और इसमें एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम को डाला गया है। एक साथ ये इसका ब्रेक काम करेगा तो स्किडिंग में आपको ये बचाता है। फ्रंट में डिस्क रहेगा और बैक में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। नेक्स्ट चेंज जो हुआ है इसका सीट जो है कम्फोटेक बनाया गया है, जो आप लॉन्ग राइड भी अगर इस बाइक से करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो राइडर का फुट रेस्ट है, वहाँ पे एक इस तरह का गार्ड लगा हुआ आपको इस बाइक में मिलेगा। इस बाइक में आपको 102cc 4-स्ट्रोक नेचुरल एलकोट BS6 इंजन को लगाया गया जो 7,500 RPM पे 7.9 PS का पावर जनरेट करता है। और अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो 5,500 RPM पे 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और आप यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट है यहाँ से आप इसको इंजन को देख सकते हैं। और इसके इंजन में ट्विन स्पार्क प्लग लगाया गया है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो साइडों में आपको दो स्पार्क प्लग देखने को मिलेगा। बाय चांस अगर कभी कभार इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, दूसरा स्पार्क प्लग से काम चला सकते हैं। बाकी जो 4 स्पीड इसमें दिया गया है सभी नीचे की तरफ आपको इसमें गियर लगेंगे। और गाइस बात की जाए अब इसके सस्पेंशन की, तो बजाज ने फ्रंट सस्पेंशन में कॉम्फोटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। और अगर रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको इसको रियर में नाइट्रोक सस्पेंशन लगा हुआ मिलेगा। इस बाइक में आपको 11 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी दिया गया है, रिजर्व में 2 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी को दिया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंसोल। कंसोल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंसोल में ज़्यादा कुछ चेंज वगैरह नहीं किया गया है, जो पहले रहता था वैसा ही इसका कंसोल अभी भी दिया गया है। आप ये जो देख रहे हैं इसमें एक ये न्यू एड किया गया है, क्लच लीवर के पास में आपको एक इस तरह का गार्ड देखने को मिलेगा। और बात की जाए इसके हैंडल की तरफ, तो हैंडल में जो स्विच वगैरह लगाए गए हैं बिल्कुल पहले की तरह सेम है। और इस बाइक में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिलेंगे। इसके हेडलाइट में 35 वाट की बल्ब दी गई है जो पावरफुल लाइट आपको जनरेट करेगी। और इंडिकेटर की बात की जाए तो उसमें भी बल्ब लगा हुआ मिलेगा आपको। और इंडिकेटर में जो इसके डिज़ाइन है वो डोमिनार के डी जैसा जो है उसके जैसा ही डिज़ाइन दिया गया है इसके इंडिकेटर में। पिलियन को ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए जो पिलियन के फुट रेस्ट है उसको काफ़ी चौड़े में दिया गया है, जिससे पिलियन को काफ़ी आराम मिलेगा। और इसमें एक चेंज यहाँ भी हुआ है, जो इंजन के पास में इसका जो साइलेंसर है उसको काफ़ी मोटा बनाया गया है। इस बाइक में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm दिया गया है और इस बाइक का कार्गो वेट 117 kg दिया गया है। तो ये थे बजाज प्लेटिना 100cc BS6 मॉडल के कुछ छोटे मोटे चेंजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लेटेस्ट बाइक रिलेटेड से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बिरला अंबानी।